इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इशरत जहां एनकाउंटर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इस चार्जशीट में जो सीबीआई ने दायर की है इसमें सुधार होगा, सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेगी। 26 जुलाई से पहले ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होगी, साजिश करने वालों की जानकारी सीबीआई इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में देगी। राकेश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, राकेश इसका क्या मतलब? अब देखिए अनुराग, जिस तरह से जो पहली चार्जशीट दायर की गई है सीबीआई द्वारा, उसमें उन अधिकारियों के नाम है जो कि जो मुठभेड़ में जिस तरह से मुठभेड़ में शामिल थे, लेकिन अब सीबीआई और सीबीआई के जो वरिष्ठ अधिकारी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि 26 जुलाई से पहले जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाएगी और इसमें जो साजिश करने वाले लोग हैं उनका नाम होगा। यानी उन्होंने ये तो नहीं बताया कि आखिरकार उसमें, क्योंकि कई नाम है जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों के नाम की भी चर्चा है, उन्होंने इसका जिक्र अभी नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी कुछ देर इंतजार कीजिए, लेकिन साजिश करने वाले लोगों के सारे लोगों के नाम इस चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट में होगा। यानी अधिकारी और नेता भी इसमें इस जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उनके नाम हो सकते हैं। अनुराग बिल्कुल, राकेश बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।